कम फ्रेंड्स, रेशमा शर्मा कुकिंग किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं जौ के आटे का एक यम्मी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये जौ का आटा जो होता है हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। तो ये मैं 2 कप जौ का आटा ली हूँ और मैं 1 खीरे को कद्दूकस कर ली हूँ, धोकर अच्छे से वाश कर। और 1 प्याज मैं ली हूँ बारीक कटा हुआ, अदरक आप चाहें तो इसे उपवास में भी खा सकते हैं, और ये हरी मिर्च आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टमाटर, आप हरी सब्जी में इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी गाजर नहीं है, मैं खीरा डालकर ही बना रही हूँ। और 2 कप में मैं 1/2 टेबल स्पून में दही, 1/2 कटोरी में दही लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 कटोरी में दही ली और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। पत्ता थोड़ा सा डाल दी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप नमक आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और ये मैं काली मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा तड़का लगाएंगे तो ये मैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ली हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ये सरसों के दाने राई डालूंगी। और जब ये चटकने लगे तो हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। और इसको हम थोड़ा, ये आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं टेस्ट के लिए इसमें डाली, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे और इसके साथ जो हम दही वाली सब्जी खाएंगे हम, मैं उसे बनाती हूँ। पैन हमारा गर्म हो गया है, पहली बार हम थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा डालेंगे, उसके बाद हम ये पेस्ट को आप चाहें तो साइज अपने अनुसार छोटे छोटे भी बना सकते हैं पैनकेक जैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, रेस्ट पे रखने से कितना अच्छा हमारा ये पक गया है। अब इसे हम आराम से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा बना है। इसी तरह हम सारे ज्वारी के पैनकेक बनाएंगे। कितना अच्छा हमारा ज्वारी का पैनकेक बना है, तो प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ब्रेकफास्ट को एक बार ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, ये हमारा ज्वार के आटे का पैनकेक और उसे हम दही के सब्जी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाइए। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।